मित्रों, किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी सारी अच्छाई वो भूल जाता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जे नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। आज हम जे नाम वाले लोगों के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जे नाम वाले लोगों के 3 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जे नाम वाले जो लोग होते हैं, इनमें प्रेम की भावना बहुत ही मजबूती से पाई जाती है, और अगर ये अपने साथी में विश्वास की कमी पाते हैं तो उससे दूर भी हो जाते हैं। ये लोग अपने प्रेम को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, और जिससे भी ये प्रेम करते हैं उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अगर इन्हें प्रेम में कभी धोखा मिलता है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और काफ़ी भावुक होने की वजह से टूट जाते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग अपने विवेक का इस्तेमाल भी करते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग प्रेम संबंधों के लिए कभी भी भावनाओं में निर्णय न लेकर सामने वाले को ठीक से जांच परख कर ही साथी के रूप में चुनते हैं, और ये पूरी तरह से अपने साथी के प्रति समर्पित होते हैं। चलिए, जे नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको प्रेम संबंधों के मामले में अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मिले जुले परिणाम दिखाने वाला है। प्रेम संबंधों के मामले में आप देखेंगे आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस होती हुई नजर आएगी। जिद्दी स्वभाव आपका रहने वाला है, खासकर अक्टूबर के महीने में। इसलिए अपने साथी के साथ प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे विवाद होने की आशंका बनी रहेगी और एक दूसरे के साथ ज़्यादा वाद विवाद भी हो सकता है। आपसी समझ की कमी के कारण आप दोनों के बीच नोकझोंक हो सकती है, और इसके अलावा आप किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को भी सुनकर आपस में वाद विवाद कर सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलें, अपने साथी के साथ तालमेल बिठाकर रखें। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, और नहीं तो आप देखेंगे कि वाद विवाद ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, नवंबर और दिसंबर के महीने में आप प्रयास कर सकते हैं, वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं। कोई वाद विवाद हैं, आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी नवंबर और दिसंबर ही बेहतर है, अक्टूबर का महीना बेहतर नहीं है। रोमांस ज़्यादा रह सकता है अक्टूबर के महीने में, लेकिन वाद विवाद आसानी से समाप्त नहीं होने वाले हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, वहां पर आपके वाद विवाद भी समाप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में अक्टूबर का महीना अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा, नवंबर और दिसंबर के महीने में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ नवंबर और दिसंबर के महीने में कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, और वहां पर आपके प्रेम संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, जेड लेटर से शुरू होता है, या पी लेटर से शुरू होता है, वी लेटर से शुरू होता है, यू आई ओ वी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जे नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों के मामले में भी मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, और अक्टूबर का महीना वहां पर भी अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा। अक्टूबर के महीने में आपको अपने साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचना है, वरना वहां पर आपके साथी के साथ भी वाद विवाद होंगे और आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी वाद विवाद होंगे। वैवाहिक संबंधों के लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा, नवंबर और दिसंबर वहां पर भी बेहतर रहेगा। अक्टूबर के महीने में छोटी छोटी बातों पर लेकर वाद विवाद हो सकते हैं आपके जीवन साथी के साथ। नवंबर और दिसंबर में परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं, लेकिन वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। वैवाहिक जीवन में अगर आपने अपने जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बनाया तो आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव
बदलाव देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रखें। और वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी मतभेद चल रहा है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, वो मतभेद समाप्त हो सकते हैं। अक्टूबर के महीने में आसानी से मतभेद आपके समाप्त नहीं होंगे। जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा आपकी हो सकती है, और अगर वो यात्रा होती है तो छोटे मोटे वाद विवाद आपके यात्रा के दौरान समाप्त हो सकते हैं, और यात्रा के दौरान संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। हालांकि आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और संबंधों में मजबूती भी रहेगी, लेकिन शंकाएँ आपकी और गलत फहमियाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद खड़े कर सकते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में जे नाम वाले लोगों को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। उपाय की बात करें, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रत्येक शनिवार को ये उपाय आप करते रहें, मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जे नाम वाले लोगों के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की है। जे नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरे श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।